नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग किशोरावस्था के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। और ये बीएड ही नहीं दोस्तों, आपके टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट टेट या फिर सी टेट, उसके लिए भी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किशोरावस्था। तो किशोरावस्था में दोस्तों, किशोरावस्था क्या है, इसमें क्या क्या विशेषताएँ होती हैं, संवेगात्मक विशेषता क्या होती है, सामाजिक विशेषता क्या होती है, इसके परिभाषाएं क्या क्या हैं, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं बहुत ही अच्छे से हम लोग किशोरावस्था के बारे में डिटेल से। आपको लास्ट तक बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखना है और मैं आपको दिखाता चलूँगा इसका आंसर कैसे लिखना है आपको, ठीक है। तो आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है या फिर वीडियो को पॉज करके अपने से पढ़ते जाना है। और अभी तक दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बीएड से रिलेटेड सभी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको प्रश्न दिख रहा होगा दोस्तों, किशोरावस्था से क्या आशय है। किशोरावस्था की मुख्य सामाजिक और संवेगात्मक विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आपने देख लिया है, रूपरेखा तैयार कर लेते हैं। उत्तर में क्या क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन के लिए, परिचय पहले देंगे, फिर परिभाषाएं लिखेंगे किशोरावस्था की, फिर किशोरावस्था के सामाजिक और संवेगात्मक विशेषताएं, फिर निष्कर्ष। तो सबसे पहले किशोरावस्था की परिचय देख लेते हैं। किशोरावस्था शब्द अंग्रेजी के अडोलसेंस शब्द से बना है। अडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द अडोल्सेर से हुई है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना, ठीक है। इसका क्या अर्थ है, परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो मैं ऐसे मतलब पढ़ता जाऊंगा तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो मैं सिर्फ आपको शो करते जाता हूँ, आप लोग अपने से पढ़ते चले जाओगे और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अपना नोट भी कर सकते हो। स्टेनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। किसका कहना है, स्टेनले हॉल। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं। किशोरावस्था को ईए किलपैट्रिक ने जीवन का सबसे कठिन काल कहा। किलपैट्रिक ने किशोरावस्था को सबसे जीवन का कठिन काल कहा। इस तरह से अभी परिचय का पाठ चल रहा है, आप लोग पढ़ते जाओ कंटिन्यू, मैं आपको शो करता जाता हूँ। अब परिभाषाएं देख लेते हैं दोस्तों, किशोरावस्था की कुछ कुछ परिभाषाएं, डेफिनेशन। क्रो एम क्रो के अनुसार इनका कहना है, किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा प्रस्तुत करता है। हैरी कमेटी रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों, यहाँ पर परिभाषा है, आप देख सकते हो, जर्सिल्ड के अनुसार किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। अब किशोरावस्था की सामाजिक विशेषताएं देख लेते हैं दोस्तों, क्या क्या विशेषताएं हैं, सामाजिक विशेषताएं हैं। तो सामाजिक विशेषताओं में आ जाएगा आपका समूहों का निर्माण, मैत्री भाव का विकास होता है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण तथा संबंधों का निर्माण होता है किशोरावस्था में, व्यवसाय चुनाव में रुचि होती है, समूह में विशिष्ट स्थान पाने की इच्छा होती है, सामाजिक चेतना तथा भावना का विकास होता है, सामाजिक परिपक्वता आती है। ये सारी विशेषताएं हैं किशोरावस्था की, सामाजिक विशेषताएं। अब इनको बारी बारी से डील करेंगे और बारी बारी से सबके बारे में देखेंगे। समूहों का निर्माण किस तरह से होता है किशोरावस्था में, फिर मैत्री भाव का विकास कैसे होता है वो भी आप देखिए। समूह में विशिष्ट स्थान पाने की चाहत भी होती है, सामाजिक चेतना तथा सामाजिक परिपक्वता की भावना आती है किशोरावस्था में। ये सारी सारी चीज़ें विशेषताएं हैं।
व्यवसाय चुनने में रुचि होती है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण एवं संबंधों का निर्माण होता है। अब दोस्तों देख लेते हैं किशोरावस्था का संवेगात्मक विशेषता है, ठीक है। संवेगनात्मक विशेषताएं क्या होती हैं किशोरावस्था में, वो आप देख सकते हो यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। किशोरावस्था में निम्नलिखित संवेगात्मक विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता है क्रोध, ये संवेगात्मक विशेषता है किशोरावस्था की। तो क्रोध किस तरह से होता है, हर लोग के अनुसार, हर लोग ने बताया है, भय, भय भी होता है किशोरावस्था में, एक विशेषता है। ईर्ष्या होती है, स्पर्धा होती है। और कैसे होती है यहाँ लिखी हुई है, ज़्यादा पढ़ने से टाइम वेस्ट हो रहा है, इसीलिए आपको देखते जाना है और खुद ही पढ़ते जाना है वीडियो को पॉज करके। स्नेह, जिज्ञासा होती है, ये सब संवेगात्मक विशेषताएं हैं। और अंतिम में आपको इस तरह से निष्कर्ष लिखना है अपने शब्दों में कि क्या निष्कर्ष निकला। तो इस तरह से आप निष्कर्ष लिख सकते हो। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार है चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।